दोस्तों आज है सिक्टी डे का पहला दिन और अभी टाइम देख सकते हैं कि 4:59 हो रहे हैं और अभी कुछ सेकंडों में यानी फ्यू सेकंड में हम लोग का सीरीज स्टार्ट होने वाला है और आज पहला दिन है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे एंड हम लोग 60 डे चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट अपनी साइकोलॉजी के साथ एंड पेशेंस के साथ। ठीक है, तो अभी सब लोग यहाँ पर रेडी होंगे और सब लोग लाइव को ज्वाइन करेंगे, सबके साथ स्क्रीन शेयर करके अपनी ट्रेड को मैं करूँगा एंड सबसे बात भी करूँगा और सारी वीडियो का रिकॉर्डेड आपको मिलेगी यूट्यूब पर, हर पार्ट आपको मिलेगी, पार्ट वन से लेकर 60 जो डे का चैलेंज होगा सारा का सारा वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना और आप लोग भी कामना करना भाई कि हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट कर पाएं क्योंकि बहुत बड़ी ये सीरीज होने वाली है 60 डे चैलेंज का, यानी 2 मंथ पूरा होने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो $200 है और $200 से हम लोग का टारगेट है $60,000 बनाने का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि टाइम हो चुका है और मैंने यहाँ पे सबको बोल दिया है कि भाई सब लोग आप लोग एक्टिव रहो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, देखो एग्जैक्टली 5 बज चुके हैं। तो मैं यहाँ पे स्टिकर सेंड करता हूँ, ठीक है, ज्वाइन नाउ का, कि सब लोग फास्ट यहाँ पे ज्वाइन कर लें जितने लोग एक्टिव हैं। एक्टिव तो इसमें सब होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और मैं बता दूँ स्टार्टिंग में कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज आपको पता है कि हमको डेली 6 ट्रेड 7 ट्रेड विन करने हैं तो उसके लिए टाइम लगेंगे। ठीक है, तो आधा घंटा 30 मिनट 45 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो आप चाहें तो थोड़ा सा फास्ट भी वीडियो को करके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, लाइव को स्टार्ट कर देते हैं एंड ये रहा कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पे हम इसको अनम्यूट करते हैं एंड बात करते हैं। सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे और मैं अपनी स्क्रीन को भी शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर। ठीक है, और मैं आप लोग का माइक भी ऑन कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग बीच बीच में मत बोलना, जब मैं कहूँ तभी आप लोग बोलना, ठीक है, जिससे कि हम लोग सही से ट्रेड कर पाएँ। सबका मैं माइक ऑन कर देता हूँ, अपने तरफ से म्यूट कर लेना, किसी को कुछ बोलना हो तो ही अपने तरफ से माइक को अलाउ करके बोलना, ठीक है, अदरवाइज आप लोग अपना माइक को म्यूट ही उधर से रखना। मैं अपनी तरफ से अलाउ कर दे रहा हूँ हर एक बंदे को, ठीक है, और सेशन को करेंगे। देखिए थोड़ी सी मुझे भी घबराहट हो रही है, ठीक है, क्योंकि लंबा सीरीज है, बट बहुत हम पेशेंस से और आराम से करेंगे। ठीक है, और आज का हम लोग का सेशन जो पब्लिक ग्रुप का था वो बहुत अच्छा खासा गया, तो ये भी हम उम्मीद करेंगे कि सही जाएगा। तो सबका पहले मैं माइक अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन वही है कि आप लोग म्यूट मत, उधर से अपना म्यूट रखना, कोई बात हो तो आप लोग बताना। ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हैं भाई सब लोग से मैं बोल देता हूँ कि आप लोग अपने मन से मतलब अमाउंट सेट मत करना, मैं खुद आपको बताऊँगा कि कितने अमाउंट का ट्रेड लेना है। ठीक है, चलिए सबका मैंने यहाँ पे माइक को अनम्यूट कर दिया है, ठीक है, और हर दिन आप लोग एक्टिव रहना जो टाइम बताया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको टाइम बहुत पहले मॉर्निंग में ही बता दिया था। ठीक है, ओके, चलिए ब्रदर, हमने अपने तरफ से देखो सबका माइक को अनम्यूट कर दिया है, अब आपको कुछ बोलना होगा तो उधर से आप अपनी माइक को अलाउ करना, ठीक है, बट अभी नहीं, मैं आपको पहले ट्रेड करा रहा हूँ फिर हम लोग बात करेंगे। सब लोग लाइव पे बन रहे हैं, स्क्रीन दिख रहा होगा और वॉइस भी क्लियर जा रही होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग ट्रेड कितने डॉलर का लेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, और मैं पहले बता दूँ कि देखिए $200 है तो उसके हिसाब से हम लोग का 10% का रिस्क रहेगा और 10% प्रॉफिट। ठीक है, अगर $20 प्रॉफिट हो जाती है तो भी रुक जाना है, $20 का बाई चांस लॉस जाता है तो भी रुकना है। ठीक है, क्योंकि एक दिन का सीरीज नहीं है, 60 डे का है, तो अच्छे से करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि पहला ट्रेड आपको कितने डॉलर का लेना है। ठीक है, और पहला ट्रेड आपका रहेगा $3 का, $3 सेट कर लो, $3, ठीक है, $3 पहला ट्रेड, और यहां पे आपका टाइम रहेगा डिफ़ॉल्ट टाइम जो कि 17:04 हो रहा है, और मार्केट आप ओपन कर लो यूरो JPY। ठीक है, मार्केट ओपन कर लो यूरो JPY, और आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो रहेगा $3 का रहेगा। ठीक है, यूरो JPY मार्केट आप ओपन कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा $3 का। भाई बीच में कोई मैसेज मत डालो, ठीक है, पब्लिक ग्रुप वाले मैसेज डाल रहे हैं कि भाई सेशन होगा, उनको नहीं पता कि आज मैंने पब्लिक ग्रुप का सेशन कर दिया। गाइज डाउन की ट्रेड हम लोग लेंगे, यूरो JPY में डाउन की ट्रेड लेंगे, ठीक है, $3 का यूरो JPY में डाउन की हम लोग ट्रेड करेंगे, डाउन। थोड़ा सा स्क्रीन लेग कर रहा है हल्का हल्का, ठीक है, जो भी ट्रेड लग रही है हम लोग आराम से उसका इंतजार करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि हम लोग का एक दिन का ट्रेड नहीं है, हम लोग को इसको 60 डे चैलेंज को कंप्लीट करना है, तो बहुत अच्छे से सही से चलना है और सब लोग भाई कामना करना कि हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि ये सीरीज का मतलब लाइफ चेंजिंग होने वाली है अगर कंप्लीट होती है तो। ठीक है,
और ये सीरीज को हम पूरा यूट्यूब पे भी डालेंगे, चाहे लॉस या फिर प्रॉफिट जो भी होगा हम पूरे यूट्यूब पे डालेंगे हर एक वीडियो को, ठीक है। और कोई भी MTG फ्लो नहीं करेगा जब तक अगर मैं ना बोलूँ, कोई भी MTG फ्लो नहीं करेगा, बस वेट करेगा रिजल्ट का कि क्या होता है। लास्ट के 5 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, और ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट है, बट आपकी पता ना, क्योंकि ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाकर हमारी ट्रेड लगी थी इसलिए प्रॉफिट गई। आप एक बार बता देना गाइस, आप सबका माइक जो है ऑन म्यूट है। ब्रदर हाँ मेरा अच्छा, कुछ लोग ओके ओके चलो गया चलो, इसको लॉस ही हम मानते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब जिसका प्रॉफिट भी है उसका $2 है तो कोई बात नहीं है, लॉस मानते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि मेरा प्रॉफिट है बट अकॉर्डिंग मेरे ट्रेड के कि ये लॉस है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन बन गया। मार्जिन से प्रॉफिट होगी वो बात अलग है। तो नेक्स्ट अमाउंट आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसको हम लॉस मानते हैं, ठीक है। माइक म्यूट रखना। नेक्स्ट अमाउंट $6 आप सेट कर लो। नेक्स्ट अमाउंट $6 आप सेट कर लो, ठीक है। हमको ऐसा लग रहा है ना कि ये मेरा जो आज स्क्रीन है थोड़ा सा लेग कर रहा है। यूरो JPY में ही रहना, मार्केट को चेंज नहीं करना है। और अमाउंट $6 सेट कर लो, इसको हम लॉस ही मानते हैं, क्योंकि मार्जिन से प्रॉफिट गई है तो कुछ लोग का प्रॉफिट कुछ लोग का लॉस और एक बंदे का रिफंड, तो उसको हम लॉस ही मानते। नहीं नहीं आपका लॉस नहीं है, रिफंड है तो 3 का लो, ठीक है। हाँ जिसका रिफंड है वो 3 का, जिसका लॉस है वो 6 का लेगा, हम इसको लॉस ही मानते हैं। और एक ट्रेड हम लोग यहाँ पे डाउन की अगेन करेंगे, ठीक है। यूरो JPY में अगेन ट्रेड हम लोग डाउन की करेंगे। डाउन थोड़ा सा ट्रेड जो है ना आज लेट प्लेस हो रहा है, देखो मैं क्लिक कर दिया हूँ भाई और अभी तक लगा नहीं, अब लगा। थोड़ा सा शायद स्क्रीन आज लेग कर रहा है, पता ना आप लोग का ट्रेड थोड़ा सा लेट लग रहा है कि नहीं। मेरा लेकिन लेग लेट लग रहा है, आप लोग बताना भाई एक बार, लेट आपका भी एंट्री हो रहा है क्या क्लिक करने के बाद? मतलब थोड़ा सा लेट एंट्री हो रहा है क्या, जैसे कि क्या न्यूज़ का इफेक्ट है यार, सच कोई न्यूज है क्या? मतलब 3 मार्केटों में न्यूज है तो इसलिए चल रहा है शायद। अच्छा, कोई बात ना, पहले वेट करो इसका। स्क्रीन भी लेग हो रहा है आज बहुत, मतलब स्मूथ नहीं चल रहा है। वेट करेंगे हम लोग एक कैंडल का, वेट करेंगे, ठीक है। यूरो JPY का इसका परसेंटेज पूरा डाउन हो चुका है, एक यही मार्केट है यूरो JPY। और नेक्स्ट ट्रेड हम लोग करेंगे गाइज $11 का, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड 11 11 का, और वेट करेंगे। अगर देखो इस लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हम लोग डेफिनेटली डाउन की ट्रेड लेंगे, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आपकी ट्रेड लेना, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपकी ट्रेड लेना, ऊपर ही देगा यूरो JPY में आपकी ट्रेड लेना। और अगर ये ट्रेड लॉस होगी हम लोग बंद कर लेंगे सेशन को, आपकी ट्रेड हम लोग लेंगे। यहाँ पे देखो गजब किया था मार्केट यहाँ पे। अगर ये ट्रेड लॉस होती है तो हम लोग क्लोज कर देंगे ट्रेड को, आज नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस देखो हम लोग का हिट हो रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, प्लस में क्या हो रहा है कि लेग भी कर रहा है स्क्रीन, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम लोग नहीं करेंगे अगर लॉस हो रहा है तो। लास्ट के 5 सेकेंड में ट्रेड अपनी फेवर में आ चुकी है, ओके। और ट्रेड 64 हो चुकी है गाइस।
सबकी प्रॉफिट होगी ये वाली, सबकी सबकी है। ओके ओके ब्रो। ओके ओके सब लोग बता देना जिससे कि हाँ सबकी इसमें बिन है क्योंकि बहुत ऊपर गई है कैंडल। ओके चलो हम लोग अमाउंट नेक्स्ट चेंज कर लेंगे, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट अमाउंट आपकी $3 की ही रहेगी। 3 पे आ जाओ वापिस से, 3 पे नेक्स्ट अमाउंट आ जाओ, मार्केट आपका यहीं रहेगा। एक गैप अप ओपन किया है तो एक कैंडल डाउन आने की चांस है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, ट्रेड कोई प्लेस नहीं करेगा, वेट करेंगे। वेट करेंगे डाउन आने का चांस था बट हम लोग वेट करेंगे, घबरा कर ट्रेड नहीं करेंगे। भले हम लोग का एक ट्रेड मिस हो जाए लेकिन आराम से करना है। बिल्कुल आराम से करना है ट्रेड, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग देखता हूँ, इसके बाद भी हम लोग डाउन की ट्रेड प्लान करेंगे यूरो जेपीवाई में। हम लोग डाउन की ट्रेड करेंगे यूरो जेपीवाई में, अगर डोजी बनती है इग्नोर कर देना, इग्नोर, ठीक है। डोजी बन चुकी है ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे। थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि कैंडल एरर देगा, डोजी बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, डाउन भी आ सकता है, कंफर्मेशन उतनी हाई नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे, वेट करेंगे। इस कैंडल का कोई ट्रेड नहीं ना लिया इसमें, किसी ने नहीं लिया इस ट्रेड को, सही। क्या क्या कर रहे हो ब्रदर? अमाउंट दिख नहीं रहा यार, $3 मैंने कितना बार बोला, कम से कम थोड़ा सा आप यहाँ पे सुनो मेरी वॉइस को, ठीक है। $3 लेना है। ओके अब हम लोग यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेड हम लोग डाउन की करेंगे $3। फिर से थोड़ा सा ऊपर लगा है ट्रेड, काफ़ी दिक्कत आ रही है ट्रेड करने में, आज इतना लेग नहीं करता है स्क्रीन। इंपैक्ट का ही ब्रदर ये सोशल मीडिया को, क्योंकि चार चार मार्केटों में इंपैक्ट चल रहा है तो भाई वॉलेटाइल हो गया एक मार्केट। अच्छा जो भी होगी देखा जाएगा, कोशिश हम लोग करेंगे कि प्रॉफिट में आज लैंड करें, ठीक है। 6-7 ट्रेड विन हो जाएंगी, टारगेट अचीव हो जाएंगे या फिर स्टॉप लॉस हिट होगी, दो दो में से एक होगा। एक्सेप्ट करके हम लोग मार्केट को टाटा आज के लिए बोल देंगे, क्योंकि ट्रेड ही जब प्लेस सही से नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि लेग बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप सबका भी हो रहा है स्क्रीन लेग? ओके तो ये ट्रेड हमारी लॉस जा रही है, वेट करेंगे, ट्रेड आपको आगे नहीं लेना है, वेट करना। नेक्स्ट अमाउंट आप $6 की सेट करके रखो, $6, और ट्रेड अभी प्लेस मत करना। नेक्स्ट अमाउंट $6 की सेट करो, कोई रियल मार्केट में और अच्छा परसेंटेज दे रहा है क्या, मैं देखता हूँ। यूरो जेपीवाई, यूरो 82%, ठीक है। यूरो जेपीवाई में ही रुको $6 का। यूरो जेपीवाई में $6 का आप अमाउंट सेट करके रखो। हाँ से रिजेक्शन ले रहा है, और यहाँ पे हम लोग डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। 15 सेकेंड इस टाइम में इसमें है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है तो एक कैंडल डाउन आ जाएगी, ठीक है। डाउन की हम ट्रेड करेंगे यूरो जेपीवाई में, $6 की ट्रेड करेंगे डाउन की। अगर थोड़ा बहुत भी रिजेक्शन आ रही है कैंडल में तो डेफिनेटली कैंडल रेड बननी चाहिए, ठीक है। एंट्री सबकी परफेक्ट हुई है ना? ओके चलिए इंतज़ार करेंगे। पहला दिन अगर सही से जाता है तो हम लोग आगे अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि
पहला दिन शुरुआत जब अच्छा होता है ना तो दिमाग में जो मतलब एक थॉट आता है ना भाई, वो मतलब एक पॉजिटिव आता है, ठीक है। हालांकि पहले दिन ही हम लोग मार्केट में आए हैं तो मार्केट ख़राब चल रहा है, मतलब ट्रेड सही से प्लेस नहीं हो पा रहा है, फिर भी कोशिश पूरी जारी है अच्छे से ट्रेड करने की, बिल्कुल आराम से। लास्ट में गई फ्लटे ना कैंडल, बस लास्ट के 4 सेकेंड, 3, 2, 1, और प्रॉफिट है गई। आप लोग बता देना, छोट सब लोग बता देना। ओके 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 ओके, चलो बढ़िया। और नेक्स्ट अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ, $3 की ही नेक्स्ट अमाउंट होगी, 3 की। वापस से आप स्विच कर लो 3 पे, नेक्स्ट अमाउंट आप $3 पे आ जाओ, और मार्केट आपको चेंज नहीं करना है, यूरो JPY में ही रहना, वापस से आप $3 पे आ जाओ। वापस आप $3 पे आ जाओ, ठीक है, और मार्केट यहीं रहेगा, उसके ऊपर और क्लोजिंग देता। और यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड आपकी करेंगे, अगर एक कैंडल रेड बनता है तो, रेड बनता है आपकी ट्रेड करेंगे, आप प्लेस हो गया ट्रेड ऊपर, कहीं एरर दे देगा, डोजी बन जाएगा, तो फिर दिक्कत हो सकती है इस ट्रेड में। मेरे से भी ऊपर, अभी तो वहीं पे कैंडल चला जहाँ पे मेरा लगा, मेरा भी तो ऊपर ही लगा। ओके, चलिए वेट करेंगे। हाँ, सबकी इसी के आसपास लगी हुई, क्योंकि मार्केट सडनली मूव कर गया ऊपर, और आपको पता है कि आज ट्रेड थोड़ा सा लेट एंट्री हो जा रहा है हम लोग का, क्लिक करने के बाद स्मूथली ट्रेड आज प्लेस भी नहीं हो रहा, बट कोई बात नहीं है, वेट करेंगे लास्ट तक, देखेंगे पहले। कोई भी MTG फॉलो नहीं करेगा जब तक मैं ना बोलूं। तो ये लॉस में ही जा रही है ट्रेड, ठीक है। और नेक्स्ट अमाउंट आप लोग सेट कर लो $7 की, नेक्स्ट अमाउंट $7 की सेट कर लो, $7 की नेक्स्ट अमाउंट। और अभी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, पहले वेट करेंगे एक कैंडल का, वेट करेंगे। और अमाउंट आप सेट कर लो $7 की, ये लाइन भी अच्छे से नहीं लग रहा है, ये भी लेकर है लगाने पे। अगर ये जो मैंने लाइन लगाया है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हम लोग अप की ट्रेड करेंगे, अगर इसके नीचे आता है तो डाउन की ट्रेड करेंगे। $7 अमाउंट, नीचे नहीं आएगा, अप की ट्रेड ले लो, अप क्लिक कर दिया हूँ, अब अभी तक लगा नहीं ट्रेड। 6 सेकेंड, देखो 8 सेकेंड, नहीं क्या थोड़ा लैग मार रहा है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा लेग हो रहा है ब्रदर, मेरा भी देख रहे हो ट्रेड, मतलब एंट्री लग रहा है कि मतलब क्लिक हो गया और 8 सेकेंड 60 सेकेंड का डिले हो जा रहा है, 7 सेकेंड 8 सेकेंड लेट एंट्री दिखा रहा है। अच्छा, आज आज का दिन हम लोग का अच्छा निकल जाए, कैसे भी करके 7 ट्रेड हो जाए तो फिर सही रहेगा। कितना चालू हो रहा है ब्रदर अभी, ट्रेड कितना नंबर पे, क्या कितना नंबर पे, मतलब कितने हो गए ट्रेडर टोटल, 7 लेना है ना। नहीं, मैं बताऊंगा खुद, आप इस पे दिमाग मत लगाओ, मैं अमाउंट आपको बताऊंगा, ठीक है, बस आप ट्रेड को फॉलो करो। चलो, ये ट्रेड भी शॉर्ट शॉर्ट जा रही है गाइस सबकी, विन हो गए सब लोग, एक बार बोल देना ब्रदर। ओके ओके, हाँ वीन है, अभी दिखा नहीं रहा बट इसका टाइम आउट हो चुका है, ठीक है, ट्रेड वीन है, वीन है, इसका टाइम आउट हो चुका है, वीन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप कहीं भी कैंडल जाए ट्रेड अपनी प्रॉफिट है। देखो, अब मुझे म्यूट है, ओ बुक के ब्रोदर, मैं आपको देख नहीं पाया, ठीक है, सही किया आपने मैसेज कर दिया, तो लेट आप इंट्री आए होंगे इसीलिए मैं आपको म्यूट छोड़ दिया हूँ, मैं वापस से देखा नहीं ब्रोदर, सॉरी भाई, जिसके तरफ से आवाज़ आएगी प्लीज़ यार म्यूट कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है, जब बोलना होता हूँ। अब ब्रदर, जो लोग का माइक में म्यूट किया था, आप लोग बताना कि ट्रेड आप लोग फ्लो कर पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, हाँ हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा, दिख रहा
अरे ब्रो दिख रहा है ये, मैं ओपन किया था इसलिए दिख रहा था, ये मैं किया था इसलिए दिख रहा था, वो हटा दिया वो जब देख रहा था इसलिए किया था। चलो हम लोग नेक्स्ट अमाउंट बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अमाउंट रहेगा आपका $3 का ही, ठीक है, 3 पे आ जाओ वापस से। और नेक्स्ट आप $3 पे आ जाओ, ठीक है। और इस लाइन के अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप अप की ट्रेड प्लान करना, और इस लाइन के अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो डाउन की ट्रेड करना यूरो JPY में $3 का। अगर इसके ऊपर क्लोज देता है तो आप अप की ट्रेड प्लान करना, नीचे अगर करता है तो डाउन की ट्रेड लेना। आई थिंक ब्रेक करेगा इसको तो डाउन की हम लोग लेंगे ट्रेड। ऊपर करेगा तो आपकी ट्रेड लेना, पता ना कहाँ करेगा। एक सेकंड, कोई ट्रेड नहीं ना प्लेस किया इस पर, एग्जैक्ट उसी पे दिया है किसी ने, डाउन कर ले लियो किधर की उधर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं, एग्जैक्ट उसी लेवल पे। मतलब लेने वाले कितने लोग हैं ये बताओ मुझे। अच्छा ओके, पहले देख लीजिए, पहले जिसने डाउन कर लिया होगा हो सकता है उनका विन जाए, चांस है डाउन का। ये क्या था ना कि ये एग्जैक्टली उसी लेवल पे क्लोज दे दिया इसलिए मैं रुक गया, मैं देख रहा था, ठीक है, घबरा के नहीं लिया, बट कोई बात नहीं, डाउन वाले का प्रॉफिट होगा। अप वाले एक ही बंदे शायद लिए थे ना। मैं क्या बोल रहा था सर, वो इसका ऊपर नीचे वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, आप भाई करके बोल देते हो हम लोग भाई करते हैं। चलो डाउन वाले की प्रॉफिट है, ठीक है। तो लेते हैं हो जाएगी जो तो नहीं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसी में रुको। ठीक, चलो कोई बात ना। आप जिसका प्रॉफिट हो गया 3 का ही लगा, ठीक है, और जिसका लॉस भी हो 3 का ही लेना, क्योंकि अगर $3 का इधर उधर फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे गलती से ट्रेड प्लेस कर दिया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, तो घबराना मत, फर्क ज़्यादा का नहीं पड़ेगा, $3 का ही आसपास होगा। देखो आज दिक्कत ये हो रहा है ना कि मार्केट थोड़ा सा लेग कर रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, कभी रुक जा रहा है कैंडल, कभी गिर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एक एक सेकंड रुक रुक कर चल रहा है, उसी का दिक्कत आ रहा है, बट कोई बात नहीं गुरु भाई, थोड़ा सा वेट करें हम लोग। एग्जैक्टली गिरा है बड़े बड़े कैंडल के साथ, तो एक कैंडल यहाँ पे रह देगा। हम लोग यहाँ पे एक आपकी ट्रेड लेंगे यूरो JPY, आपकी ट्रेड लेंगे $3 का, आपकी ट्रेड लेंगे यूरो JPY। आप कंटिन्यू मार्केट गिर रहा था, ये ऐसी लेवल पे पहुंचा है जहां पर रिजेक्शन आया है, ठीक है, तो यहां पे कैंडल अगर रेड भी बनता है तो हो सकता है डोजी टाइप एरर देके बने, नहीं तो ग्रीन बनेगा, ठीक है, तो वेट करेंगे रिजल्ट का। और ब्रदर कोई भी पैनिक मत होना, कोई भी किसी दूसरे का सिग्नल फॉलो मत करना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस सीरीज को ही फॉलो करेंगे, 60 डे का चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट किया है तो इसी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे जैसे भी हो। तो इस लेवल पे देखते हैं एरर आता है या फिर क्या होता है। चलो ट्रेड लॉस गई है ये वाली, ठीक है, कोई ट्रेड फ्लो मत इसके आगे मत लेना, मैं बताऊंगा इसके आगे के अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ। इसके आगे की अमाउंट जो आपकी होगी $8 की होगी, ठीक है, 8। दूसरे मार्केट का तो ठीक है, आपका प्रॉफिट में गया है तो आप $3 पे ही रहना, ठीक है, ये मार्जिन से आपका हो सकता है प्रॉफिट गया हो क्योंकि नीचे लगा होगा, तो हाँ एंट्री अच्छी होगी, कोई बात नहीं, हम लोग वेट करेंगे एक कैंडल का। इसमें कोई और मार्केट है क्या, यूरो अर्ड, मैं तब तक दूसरा मार्केट देख रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग रुकना, बहुत ज़्यादा लेग कर रहा है, मतलब इतना हैंग जैसे करता है ना फोन, उस टाइप का हो रहा है, ठीक है। चलो इस मार्केट को ओपन कर लो, यूरो अर्ड ओपन कर लो, ये थोड़ा सा स्मूथ दिख रहा है मुझे, यूरो अर्ड ओपन कर लो, EUR AUD 82%, ठीक है, यूरो अर्ड ओपन कर लो, $8 इन्वेस्टमेंट सेट कर लो, और यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड लेंगे गाइस डाउन की,
ठीक है। यूरो ऑड में हम लोग एक डाउन की ट्रेड प्लान करेंगे 30 सेकेंड पहले, मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। 8 डॉलर की ट्रेड होगी यूरो ऑड में। थोड़ा सा ये मार्केट स्मूथ लग रहा है, पता ना यहाँ पे लेके होगा कि नहीं होगा ट्रेड लेने पे, लेकिन डाउन की हम लोग ट्रेड यहाँ पे करेंगे। यूरो ऑड 8 डॉलर की ट्रेड करेंगे हम लोग, डाउन की करेंगे। डाउन की ट्रेड करेंगे यूरो ऑड में 8 डॉलर की डाउन। एंट्री मेरी नीचे हो गई, वहीं हो जा रहा है। मेरे जहाँ एंट्री हुई है उसी के आसपास आप लोग का भी हुआ होगा, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि उसके नीचे मार्केट अभी आया ही नहीं ठीक है, उसी के आसपास था, उसके बाद ऊपर ही गया। बहुत ज़्यादा देखो ट्रेड लेने में हम लोग फंस जा रहे हैं आज ठीक है, क्योंकि मार्केट उतना सही चल नहीं रहा है, पूरा मतलब गड़बड़ चल रहा है। एक तो स्क्रीन इतना लेग कर जा रहा है कि ट्रेड लेने के बाद। हाँ बोलिए। ये जो ईयू और एयूडी का है ना मार्केट चल रहा है 20 जुलाई मार्केट, इसमें ही एनएफटी की न्यूज़ है शायद आज। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट अमाउंट आप लोग सेट कर लो ठीक है, 17 डॉलर की 17, और यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले लेना 70 करके, डाउन की ट्रेड ले लेना ठीक है। 17, ओ यार नीचे आ गया, ट्रेड लिया क्या आप? चलो डाउन की सब लोग ट्रेड ले लो, ऊपर ले डाउन की ले लो। मैं भी लगा दिया हूँ ट्रेड, बट दिख नहीं रहा है ब्रदर अभी तक। हाँ अब दिख रहा, अगर ये ट्रेड लॉस होती है तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्लोज कर लेंगे हम लोग ठीक है। बहुत ज़्यादा आज मार्केट ख़राब है, ट्रेड प्लेस नहीं हो रहा है सही से, तो अगर ये ट्रेड लॉस होती है हम लोग आराम से यहाँ से निकल जाएंगे ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वोल्टिलिटी है, देख रहे हो किस तरीके से कर रहा है। चलो ये लॉस हो गया ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया हम लोग का ठीक। हाँ बस हम लोग इसको क्लोज करेंगे, सब लोग 1 डॉलर का लो, जिससे कि कोई ट्रेड गलती से प्लेस मत करना। और हम लोग का आज जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ ठीक है, 20% से थोड़ा सा कम ही हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 ट्रेड प्रॉफिट बीच में किया है उसका ठीक है। ये हम लोग 8 जुलाई का ट्रेड किया, तो थोड़ा सा मार्केट ख़राब था इसलिए हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट कोई बात नहीं है ठीक है, हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट डे और अच्छे से हम लोग इसको मैनेज करेंगे ठीक है ब्रदर। क्या कह रहे हो? देखो मैं सुनो, मैं मॉर्निंग का बात नहीं है, मैं आज सोचा कि आज लाइव मार्केट में ट्रेड किया जाए, रियल मार्केट में, क्योंकि फर्स्ट डे है ठीक है। मैं सोचा कि लाइव मार्केट सही रहेगा, और लाइव मार्केट में हमने किया अभी, थोड़ा सा मतलब एंट्री भी अजीब हो जा रहा है, ट्रेड भी इधर उधर लग जा रहा है, कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे ट्रेड को ठीक है। हाँ बस हम लोग को अपने ये रूल को फॉलो करना है, क्योंकि एक दिन का नहीं है, स्टॉप लॉस तो कभी ना कभी हिट होगा ही, तो समझो कि आज फर्स्ट दिन ही हिट हो गया, तो कोई बात नहीं है। आज का मार्केट भी देख रहे हो कि किस तरीके से चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हमको लगा कि हमारा ही लेग कर रहा है, लेकिन आप लोग का भी लेग हो रहा है, फिर भी हम लोगों ने सही किया, जो भी हुआ स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम लोग रुकेंगे एंड नेक्स्ट दिन ट्राई करेंगे ठीक है। और 11 बजे अगर सेशन, हाँ टारगेट रहेगा 10%, 10% स्टॉप लॉस ठीक है। हम हाँ ग्रुप में हम डाल दिए हैं, वो आप चेक कर लोगे जो एक्सेल सीट है ठीक है, आप हम उसको डाल दिया। और आज का स्टॉप लॉस यहाँ पे, हाँ आज का देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे इतना है ठीक है। अच्छा ठीक है कोई बात ना, कल कल हम लोग 11 बजे वाले सेशन को कर लेंगे ठीक है। ऐसे हाँ ऐसे भी 11 बजे वाला सेशन तो जो था आज हम लोग का सही गया था, वहाँ पे 5-6 ट्रेड हम लोग तो कर भी किए थे उसमें, बट ओके थैंक यू ब्रदर। आज स्टॉप लॉस हिट हुआ, कल का टाइम मैं आपको बता दूंगा, अगर 11 बजे करने वाले होंगे तो हम आपको पहले 1 घंटा पहले अपडेट कर देंगे ठीक है, 9 बजे 10 बजे करीब में बता देंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी ट्राई मत करना फिर से इसको मतलब इसको ये करने का ठीक है, रिकवर करने का आज के डेट में,
नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। जी रूल कोई भी ट्राई मत करना इसमें, चाहे कोई आपको सेशन कराए, हम लोग कल करेंगे। आज मार्केट सही नहीं है, आप देख पा रहे हो, ये मैं खुद कह नहीं रहा हूँ, आप ट्रेड करके भी देख रहे हो कि भाई ट्रेड की एंट्री कैसी हो रही है। जो कि हम लोग मॉर्निंग में ले रहे थे 11 बजे, वो वाला कितना स्मूथली लग रहा था, कोई भी एरर नहीं हो रहा था, तो इसको भी एक्सेप्ट करना, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं है, हम लोग का आज स्टॉप लॉस हिट हुआ, हालांकि 20% नहीं गया है, और सॉरी 10% स्टॉप लॉस नहीं हुआ, थोड़ा सा $3 की कमी है, क्योंकि हम लोगों ने एक दो ट्रेड प्रॉफिट किया था, तो यहाँ पे $16 आपको लॉस दिख रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग क्लोज करते हैं और कल ट्राई करेंगे, मार्केट सही होगा तो हम लोग आराम से एक टाइम में 10% और एक टाइम इवनिंग में करके 20% गेन कर लेंगे, ठीक है। इजीली हो जाएगा, मार्केट जिस दिन सही होगा इजी हो जाएगा। ठीक हाँ, लेकिन है सर, हाँ चलो ब्रदर, सेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो हम यूट्यूब पे जरूर डालेंगे, क्योंकि हमने वादा किया है भाई कि सीरीज का पूरा डालेंगे। फर्स्ट दिन थोड़ा सा लॉस गया तो खराब लगेगा, बट कोई बात नहीं, जिसको जो समझना है समझेगा, ठीक है, अच्छे से मैनेज करना है बस। चलो थैंक यू ब्रदर, क्लोज करते हैं सेशन को, ठीक है। ठीक है सर, ओके थैंक यू, थैंक यू। ओके 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 सो मच। ओके थैंक यू।